चलो मालिकीम मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज जो हम बात देखने वाले हैं वो तो है यहोशाफाट के समय में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, जिसके लिए हम वचन ले रहे हैं दूसरा इतिहास उसका 20वां भाग और उसकी 22वीं वचन, जिसमें कहते हैं जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस समय गाकर स्तुति करने लगे उसी समय परमेश्वर ने मार दिया। परमेश्वर का वचन अचल है। जो परमेश्वर तब हमारे लिए खड़ा था आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अपना युद्ध लड़ता है। यहोशाफाट के समय में ये हुआ था कि जब यहोशाफाट का समय चल रहा था, यहोशाफाट राजा था और उसके सामने 3 प्रजाएं एक साथ उसके ऊपर युद्ध करने के लिए आ पड़ी, तब यहोशाफाट घबरा गया क्योंकि उससे बहुत बलवान ऐसी प्रजाएं उसके सामने एक साथ आन पड़ी थी, उसके साथ एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार थी। उन्होंने एकजुट होकर इस यहोशाफाट की प्रजा के ऊपर, यहूदा की प्रजा के ऊपर युद्ध करने का निर्णय कर लिया था। तब यहोशाफाट घबरा गया और पर वो उस घबराहट में बैठा नहीं रहा। उसने क्या किया, सबसे पहले वो परमेश्वर के पास गया, अपने घुटनों पे आया, परमेश्वर का भजन किया, परमेश्वर की स्तुति करी। जो भी परमेश्वर ने आज तक उसके लिए किया था, उसकी प्रजा के लिए जो काम किया हुआ था, वो सारा ही परमेश्वर को फिर से याद दिलाया, परमेश्वर की स्तुति करी कि जो काम की वजह से आज तक यहूदा के लोग जिंदा है, आज तक जिस तरह से परमेश्वर ने उनको गुलामी से बाहर निकाल के आज तक जिस तरह से रखा हुआ है, उसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की स्तुति करी, परमेश्वर के पास से सहायता मांगी। और इतना ही नहीं, सारी प्रजा उपवास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी, परमेश्वर का भजन कर रही थी, परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। तब परमेश्वर ने उनको ये वादा किया कि तुम जाओ और उनके सामने हो जाओ, पर शांत रहो क्योंकि ये युद्ध तो तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है और तुमको युद्ध करना नहीं पड़ेगा, पर तुम निकल के उसके सामने चले जाओ और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसी भरोसे के साथ यहोशाफाट ने अपनी प्रजा को बाहर निकाल लिया, सारे सैन्य के साथ, सारे लोगों के साथ वो बाहर निकल आया, उनके सामने युद्ध करने के लिए आ पड़ा। और उसने युद्ध के जगह क्या किया, उसने परमेश्वर का स्तुति किया, परमेश्वर का भजन किया। 22वीं जो वचन है दूसरा इतिहास उसका 20वां भाग और 22वें वचन में क्या कहता है, यही कहता है कि जिस समय गायन स्तुति करने लगे उसी समय परमेश्वर ने जो भी उसके अगेंस्ट में थे उन सबको मार दिया। और 24वां वचन कहता है कि जब यहूदियों ने जंगल की चौकी की पर पहुंचे, भीड़ की और दृष्टि करी, तब क्या देखा कि भूमि पर पड़ी हुई लाश है और कोई नहीं बचा। परमेश्वर की प्रजा के अगेंस्ट में जितने भी शत्रु थे सारे ही मर चुके थे। किस तरह से मरे थे, उनको कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था, वो अंदर अंदर ही झगड़ के लड़के वो खुद ही मर गए थे। परमेश्वर अपनी प्रजा का किस तरह से ख्याल रखता है ये हमें बात दिखाता है। उतना ही नहीं, उन्होंने जो भी भजन किया परमेश्वर के ऊपर आधारित रहे, उसका बदला परमेश्वर ने उनको क्या दिया, 25वें वचन में हम देखते हैं, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। ये परमेश्वर की आशीष थी उनके लिए। पहला, परमेश्वर ने उनका बचाव किया, उनकी जान बचाई, उनको लड़ने से भी बचा लिया, और दूसरा परमेश्वर ने उनको इतनी लूट दी कि 3 दिन तक वो बटोरते रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आज भी हमारे लिए वही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जब भी हमारे ऊपर इस तरह की विपत्तियां आ जाती है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जिसमें से हमारा निकलना बहुत मुश्किल है, हमें सोच में भी नहीं आता कि हम इससे कैसे लड़ेंगे, हमें पता भी नहीं होता कि इस समस्याओं से, इस प्रश्नों से हम कैसे बाहर आएंगे, हम दुखों में जब पड़े होते हैं तब दुख हमारे ऊपर भारी हो जाते हैं, हम हमारा कितना भी समय उन दुखों को सोचने में, उन प्रश्नों को सोचने में लगा दे, परंतु निकलने का केवल एक ही उपाय है, हमारे घुटनों पर हम आ जाए, परमेश्वर का भजन करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो भी परमेश्वर ने आज तक हमें दिया है उस चीज के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। तब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ता है, परमेश्वर हमें जीत देता है, हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, वही हमारा युद्ध लड़ता है। हमें बस उठ खड़ा होना है, परमेश्वर के साथ खड़ा हो जाना है उस किसी भी कसौटी से, किसी भी समस्याओं से, किसी भी तरह की लालचाओं के सामने। जी हाँ, हमारे कितने भी लालचाएं हो, हम जगत की तरफ कितना भी अट्रैक्ट होते हो, हमारी आंखें कितनी भी अट्रैक्ट होती हो, हमारे कोई भी रिलेशन जिसमें से हम छूट नहीं पाते हो, कोई भी ऐसी बात है कि जिसमें हम बंधे हुए और सतत हम लड़ते रहे हो, परंतु जब हम परमेश्वर के पास घुटनों पे आ जाएंगे, परमेश्वर का भजन करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के आगे हम उसकी स्तुति के भजन चढ़ाएंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा।
परमेश्वर हमारे आगे खड़ा होगा, हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, हमें उन समस्याओं से, हम उन कसौटियों से, हमें उस परीक्षणों में से हमें नहीं गुजरना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर हमें उनमें से सब में से बाहर निकाल लेगा, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, परंतु परमेश्वर हमें उन सारी बातों से ऊपर उठा लेगा। जब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारा युद्ध लड़ा है और वो सारी चीजें हमसे छूट गई है, उन सारे दुखों से हम बाहर आ चुके, उन सारे प्रश्नों से हमें हल मिल चुका है, उन सारी समस्याओं से हम ऊपर उठ चुके हैं, वो दुख अब दुख नहीं रहे, वो समस्याएं अब समस्या नहीं रही, वो सारी मर चुकी है, तब परमेश्वर का हम फिर से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसके बाद उन सभी ने मिलकर परमेश्वर का फिर से धन्यवाद किया था, परमेश्वर की स्तुति करी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि जो हमारी सोच से परे है, हमारी हर कल्पना से परे है, क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं, परमेश्वर हमारा देव है, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर केवल हमारी समस्याओं में हमें साथ नहीं देता, परमेश्वर हमें उसमें से बाहर ही नहीं निकलता, परंतु परमेश्वर उसके बदले में हमें कई गुना आशीषें भी दे देता है, क्योंकि परमेश्वर हमें भरपूरी देना चाहता है। जब हम परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, जब हम हमारी समस्याओं से हार नहीं जाते, जब हम समस्याओं को, प्रश्नों को इतना सोच सोच के उसको इतना बड़ा नहीं बना देते, परंतु जब भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी कसौटी आए, कोई भी परीक्षण आए, उससे पहले परमेश्वर के चरणों में जब हम झुक जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, हमें उठाएगा, हमें उनके सामने खड़ा कर देगा, हमें डरना नहीं है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें हमारे दुखों में इतना डूब नहीं जाना है कि हम सब चीजों को भूल जाए, परमेश्वर को भूल जाए, परमेश्वर के काम को भूल जाए, जो परमेश्वर ने आज तक हमारे लिए किया है उसको फिर से याद करके हम परमेश्वर के चरणों में रहे, उसकी आशीषें परमेश्वर हमें जरूर देगा, इतनी आशीषें देगा कि हमें बटोरते बटोरते सालों चले जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा पराक्रमी परमेश्वर है कि जो हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें उसकी प्रजा की तरह खड़ा कर दिया है। हर रोज सुबह का समय परमेश्वर के चरणों में बिताए, हर सुबह जब हम लड़ना चालू करें उससे पहले ही हम परमेश्वर के पास अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए, इस नए समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें गिफ्ट में दिया है। कई लोग मर जाते हैं परंतु हम जिंदा उठे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। पूरे दिन के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य तभी मिलेगी जब हम घुटनों पे आके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना जब हम करेंगे तभी पूरे दिन के लिए हमें नया सामर्थ्य मिल जाएगा। परमेश्वर हमें हमारी सुबह आशीषित करेगा और पूरा दिन हम परमेश्वर की आशीष में बिताएंगे, लड़ना नहीं पड़ेगा, परंतु परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती रहेगी। आइए परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें। ऐ हमारे खुदा, हमारे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ देते हो, कभी हमें समस्याओं में, विकट परिस्थितियों में, परीक्षणों में, जगत में हमें अकेला नहीं छोड़ देते हो, परंतु हम जब भी आपके चरणों में आते हैं आप हमारे आगे खड़े हो जाते हो, उन समस्याओं से आप लड़ते हो, आप हमारी मुश्किलों से आप भीड़ जाते हो प्रभु, और हमें उन सभी से बाहर निकाल लेते हो और उसकी आशीष आप हमें देते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब भी हम किसी भी समस्याओं में आए, किसी भी कसौटियों में आए, हमें ये याद दिलाया कि हमारे घुटने अभी भी सही सलामत है, घुटनों पे आना हमें याद दिलाया प्रभु, हमें वो नम्रता दीजिए प्रभु, हमें उस तरह से हमेशा आपका स्मरण हमारे मनों में रहे, इसके लिए आपकी कृपा होने दो प्रभु। सभी तरह से हम आपके चरणों में झुक जाते, सदा हमारे साथ रहे प्रभु, यीशु के नाम से आमीन।